सकते हैं आपका हमारे YouTube चैनल चॉइस केमिस्ट्री में। पिछली बार हमने जो पढ़ा था, हमने एक बेसिक फंडामेंटल पढ़ा था, वो ये था कि भाई हम रिएक्शंस को किस तरीके से याद करें, लर्न करने के लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। तो आज हमें उन्हें बेसिक को क्लियर करते हुए चलेंगे किस तरीके से करते हैं। तो हमने उसमें बताया था, जो सबसे पहले बताया था वो बताया था हमने एलिमेंट, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स हम सब ने पढ़े हैं कि भाई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में होते हैं। अब ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो मेरे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन है मेरा, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और मेरा हैलोजन ग्रुप आ जाता है। ये सारे किसके अंदर आते हैं? ऑर्गेनिक के अंदर आ जाते हैं, जैसे FClBrIETC, जो ये होते हैं ये ऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जो अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक में तो भाई हमने ज़रूरी होती है, हमें पीरियोडिक टेबल पूरी लर्न होनी चाहिए, ये ऑर्गेनिक अंदर आते हैं, पीरियोडिक जो टेबल है हमारी पूरी। और मैंने बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल है वे वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, वो हमें 100% लर्न होनी चाहिए। इसमें हमें लर्न करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें प्रत्येक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर वेट मालूम होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और हमें ये भी लर्न करना होता है कि भाई अगर हम पीरियोडिक टेबल को कर रहे हैं तो फिर कम्प्लीटली तरीके से करें ना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल तो पूरी केमिस्ट्री में काम आती है। इसके अलावा हमें पीरियोडिक टेबल का अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारी ये सिचुएशन होगी, और बाएं से दाएं जाएंगे, दाएं से बाएं जाएंगे तो हमारी ये सिचुएशन होगी, ये सब कुछ हमें चेक करना है और लर्न करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात कर रहे हैं, इसकी बात कर ली हमने ऑर्गेनिक में जो एलिमेंट्स आते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, हैलोजन, इसके अलावा और भी हैं, हम स्टडी करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो जो हमारा अब जो दूसरा पॉइंट है वो आता है लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लुईस प्रतीक, लुईस प्रतीक। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें पढ़ना है। लेविस डॉट सिंबल दरअसल होते क्या है कि जो हमारा जो जिस एटम की हम बात कर रहे हैं, उस एटम के जो बाह्यतम जो कोश है, एटम की किसी भी एटम की बात कर लो, उसका जो बाह्यतम कोश है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रजेंट होते हैं, प्रजेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें इस परमाणु के रूप में, उसी परमाणु के रूप, परमाणु के ऊपर डॉट के रूप में दर्शाना या बिंदु के रूप में दर्शाना, दर्शाना ही क्या कहलाता है हमारा, लेविस डॉट सिंबल कहलाता है। क्या समझ में आया? किसी परमाणु, मान लो हम कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन का हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, क्योंकि कार्बन 6 नंबर पर आता है। अच्छा, तो अब इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 4 इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन के ऊपर बिंदु के रूप में शो करना ही क्या कहलाता है हमारा, लुईस डॉट सिंबल कहलाता है। किस तरीके से, जैसे कार्बन बना लिया, 1 कितने हैं, 4, 1 2 3 4, इस तरीके से शो करना क्या कहलाता है, लुईस डॉट सिंबल कहलाता है। और ये लुईस डॉट सिंबल है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारे काम आएगा कब हमारे सिंगल बॉन्ड बनेगा, कब हमारे डबल बॉन्ड बनेगा, जब हम स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात करेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है केमिस्ट्री के अंदर। इसे हमें समझना है, लर्न करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हो रहा था हमारा लुईस डॉट सिंबल, कुछ में हम इन्हें लुईस डॉट सिंबल को पॉइंट के रूप में दर्शाकर कुछ इस तरीके से भी शो करते हैं, ठीक है। जो तीसरे जो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट आता है वैलेंसी, वैलेंसी। अब देखो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी को हम हिंदी में कहते हैं संयोजकता, इसे संयोजकता के नाम से जाना जाता है हिंदी में। क्या होती है दरअसल वैलेंसी, जो होती है वो होती है हमारी किसी भी परमाणु के जो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसकी जो अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता कहलाती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है सर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3 होता है। अब देखते हैं हम इसके जो बाह्यतम कोश, सबसे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाह्यतम कोश की बात करें हम, तो देखते हैं हम
पी के बना लेते हैं, पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3a 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3। तो क्या हुआ, नाइट्रोजन की संयुक्तता कितनी हुई, 3 हुई, नाइट्रोजन इक्वल टू वैलेंसी कितनी है, 3। इसी तरीके से अगर हम बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, 1s2 2s2 2p4। तो क्या करना है हमें, इलेक्ट्रॉन को भर दो, किस में भरा जा रहा है, पी में, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, 1 2 3 और ये 4 आया, कितने बचे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2। तो ऑक्सीजन में किस ऑक्सीजन की वैलेंस कितनी होती है, 2 होती है। इस तरीके से हम बता सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, 1s1, तो इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1, तो इसकी संयुक्तता कितनी हुई, 1 हुई। इस तरीके से हम किसी भी परमाणु की एटम की संयोजकता निकाल सकते हैं। और इस संयोजकता का भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि संयोजकता से हमें पता चलता है कि कौन सा परमाणु क्या बंध बना रहा है, उसकी बंध क्या होती है, ये हम सिर्फ संयोजकता से बताते हैं। जो अगला जो हमारा पॉइंट आता है संयोजकता के बाद, वो आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम सीखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरीके से हम बनाते हैं किसी भी परमाणु की। मान लो स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिए क्या क्या जरूरी है, हमें संयोजकता मालूम होनी चाहिए और वैलेंस, संयोजकता वैलेंसी मालूम होनी चाहिए और हमें लुईस डॉट सिंबल का पता होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसकी करते हैं। मान लो मेरे पास है CH3OH, ये अगर मैं इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करूँ तो किस तरीके से शो करेंगे, देखो समझो बड़े ध्यान से, सिर्फ समझना है, लर्न कुछ नहीं करना है। तो हम आराम से शो कर सकते हैं और आराम से हम लिख सकते हैं और हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा अगर हमें समझ में आ जाती है। तो मान लो बेटा मेरे पास ये है एग्जांपल CH3OH, क्या नाम इसका, मेथेनॉल। अब देखते हैं मेरे पास क्या है, कार्बन, ये कार्बन लिख लिया, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 2 3 4, सो कर दिया लुईस डॉट सिंबल की तरह। उसके बाद क्या जुड़ा हुआ इसे, हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, ठीक है, बाद में जोड़ेंगे हाइड्रोजन को। फिर इसे क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन जोड़ दिया। अब ऑक्सीजन के देखो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बार दोबारा लिख लेते हैं हम, ऑक्सीजन ये होता है 1s2 2s2 2p4, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो हम 6 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये मेरा 6। उसके बाद क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। अब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं इसका क्या बनेगा। हाइड्रोजन कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं, 3, एक बॉन्ड ये बना लिया। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, इसलिए एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना लिया, ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना लिया, अच्छा मेरे पास बचा क्या, ये बचा। अब इससे क्या जुड़ा हो, ऑक्सीजन, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, क्लियर। और ये इसके साथ हाइड्रोजन कितना है, 1, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ये किसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ, यह हुआ किसका, CH3OH का। अब देखो कैसे, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाता है, 1 और 2 बना लिया, ठीक है। ये काम में नहीं आएगा, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनका कोई रोल नहीं होता है। बॉन्ड बनाने में कौन काम आते हैं हमारे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे ये काम आया, ठीक है। अब कुछ एक और एग्जांपल की जैसे हम बात करें, मैं आपको कोई एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मेरे पास ये है HCHO, इसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है, समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी, ध्यान से समझे क्या है क्या नहीं है। मेरे पास क्या है, कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, तो उन्हें लुईस डॉट सिंबल की तरह शो करेंगे, 1 2 3 4, ओके। उसके बाद क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है सर, कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। उसके बाद क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, तो पहले हम हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, ये देखो हाइड्रोजन मैंने इसके साथ शो कर दिया, इसके साथ मैंने हाइड्रोजन शो कर दिया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं हम, ये ऑक्सीजन है मेरा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी बताया था मैंने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, अच्छा सर, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ गए। अब देखो कार्बन की वैलेंस कितनी होती है, 4, अभी तक कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 3 1 2 3 बॉन्ड बनाया, अब कार्बन एक और बॉन्ड बनाएगा। और ऑक्सीजन की वैलेंस कितनी होती है, 2 होती है, और ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया, 1 बनाया। अब ये दूसरा जो मेरा ये है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से मेरी क्या बन गई, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, HH डबल बॉन्ड O, ये इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है।
अभी स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला जो मेरे काम आएगा इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये मेरा काम आएगा रिएक्शन को हल करने में। किस तरीके से काम आएगा मेरा, जब हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला मालूम हो जाती है तो हम उस भी किसी भी रिएक्शन को आराम से हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बता सकते हैं कि भाई मेरे यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, मेरे यहाँ से ऑक्सीजन इसके साथ निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और भी हैं, आपको समझ में आ गया होगा, बाकी के आप खुद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप खुद कर लेना हो, C3NH2 इसको करना है, इसके अलावा C2H5OH इसको करना है, इसके अलावा C3COH इसकी स्ट्रक्चर लिखनी है, ये सारी चीज़ें आपको करना है, इसके अलावा C6H5CHO इसको खुद करना है। करना क्या, सिर्फ वही लुईस डॉट सिंबल मालूम होना चाहिए, वैलेंसी मालूम होनी चाहिए, वैलेंसी कंप्लीट करते जाओ और लुईस डॉट सिंबल लगाते जाओ, इस तरीके से करना है। ओके, अच्छा अगला जो मेरा पॉइंट आता है वो आता है, बात करता हूँ मैं बॉन्ड फ्यूजन की, बात कर लेते हैं बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन का मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं बंध विदलन। अब बंध विदलन क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं इसमें, क्योंकि मैंने पिछला जो हमारा लेक्चर आया था वो इन्हीं के ऊपर आया था, बेसिक फंडामेंटल के ऊपर वो हमने सब बता दिए थे। अब हम बॉन्ड फ्यूजन में जो देखेंगे वो देखेंगे बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है। दरअसल जो बॉन्ड फ्यूजन होता है उसे मैंने बताया था पहली बार कि बंध विदलन ये टू टाइप्स का होता है, यानी बॉन्ड का हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी बॉन्ड का टूटना, और टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है मेरा होमोलैटिक बॉन्ड और दूसरा मेरा होता है हेट्रोलैटिक, जिसे इसे बोलते हैं समांश विदलन और इसे बोलते हैं विषमांश विदलन। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो दरअसल जो होता है वो होता है, मान लो मेरे पास कोई एग्जांपल है, समांश मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बट जाना, कितने भागों में, दो बराबर भागों में। एग्जांपल के लिए मेरे पास H2 है, ठीक है सर, ये देखो ये हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, टू, ये हाइड्रोजन ये। अब देखो तुम, मैं कौन सा बंध विदलन होगा हम देखते ही बता सकते हैं, जब दो सेम है तो भाई किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, दोनों की जो पावर है दोनों की सेम है, कोई भी इनमें ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए दोनों अपनी अपनी ताकत बराबर लगाएंगे, इसने अपनी तरफ खींचा और इसने अपनी तरफ खींचा, इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं हम समांश विदलन। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल बात करूँ HCl की, मैं जानता हूँ HCl, अब मैं देखते ही बता सकता हूँ, क्योंकि बंद किसकी तरफ झुक जाएगा, सीएल की तरफ, क्योंकि सीएल क्या ज़्यादा पावरफुल है, पावरफुल मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये देखो सीएल, तो अपने तरफ ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गया है, इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, इसे ज़रूरत पड़ेगी खींचने के लिए, और क्लोरीन इस पर आ जाएगा नेगेटिव, ये होता है मेरा विषमांश विदलन। हम इसी तरीके से किसी का भी बता सकते हैं। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आए हैं तो हम अगले रिएक्शन जो हम करेंगे, जो सबसे पहले रिएक्शन हमारी जो आएगी वो आएगी रोजेनमुंड रिएक्शन, उसे हम आराम से समझ सकते हैं, यानी इन पॉइंटों के माध्यम से आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो ये मैंने आज पढ़ाया है इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है, पढ़ना है, और दो पॉइंट का बड़ा ध्यान रखना, एक तो वैलेंसी का, इसको बड़े अच्छे से क्लियर करना, और दूसरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रिएक्शन को करने में। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो नेमिंग रिएक्शन हम शुरू कर देंगे, दरअसल एक बेसिक था, इट्स ओके।